चलेंगे चलेंगे। आज करता हूँ बता रहे खास मर्यादा पर मैं जुल्म से ना कि जुल्म से ना जबर से ना खंजर तलवार से जुल्म से खंजर तलवार से जुल्म से ना जबर से ना खंजर तलवार से जुल्म से ना जबर से ना खंजर तलवार से खुलूस को प्यार से वाह वाह सही है भाई वाह वाह शुक्रिया क्या कहेंगे आपकी मोहब्बत मिली शेर पहुंचा मतलब पहुंचा सुने प्रधान जी थोड़ी सी दुआएं आपकी भी मिल जाए थोड़ी सी मोहब्बतें पेश कर दो कि जुल्म से ना जबर से ना खंजर तलवार से हमने दुनिया जीत रखी है खुलूस प्यार से वाह बोले बोले कहने वाले कहते हैं कि इस्लाम जो है तलवार के जोर पर फैला अरे मियां कहां सो रहे हो इस्लाम तलवारों से नहीं बल्कि अखलाकों किरदार से फैला प्यार से फैला है सही प्यार से फैला है अरे बोले बोले भाई प्यार से फैला है अब अगला शेर पढ़ता हूं बतौर खास आप सबकी दुआएं चाहते हुए बतौर खास मुलायदा फरमाएं शेर समाप्त करें हमने दुनिया जीत रखी है खुलूस प्यार से बोले बोले के हमने दुनिया जीत रखी है खुलूस प्यार से ये शेर सुने अब इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप बोलने पर मजबूर हो जाएंगे अगर गूंगा भी मुझे उम्मीद है कि शेर से बोलेगा अल्लाह ने आप लोगों के पास तो ज़बान अता की है कि है ना भाई मगर मुझे उम्मीद है अल्लाह के साथ से कि गूंगा भी बोल उठता है शेर वो शेर हासिल करता है बता खास मुलायदा फरमाए समाप्त करें शेर के हम नकल टूटे किसी से के हम नकल टूटे किसी से और ना टूटेंगे कभी के हम नकल टूटे किसी से और ना टूटेंगे कभी के हम नकल टूटे किसी से और ना टूटेंगे कभी के हम नकल टूटे किसी से और ना टूटेंगे कभी हमें नकल टूटे किसी से और ना टूटेंगे कभी बोले भाई सरफिरी सरकार से किससे के आओ मिल
सर खीरी मोदी से, मोदी से। वाह एकदम, आप लगता है कि आप अब लगता है जब खाना खा रहा करके जब पेट भर जाता है आदमी का और जब ऊपर से कुछ अच्छा मेहनत दो तो नहीं खा सकता है, अच्छा भी नहीं खा सकता है उससे अच्छा। मुझे ये पेट भर गया आप लोगों का, पेट भर गया तो बोले जरा सा कि आपको मिले झूले करे ये कह दे सर पीड़ी सर कार से मैं तो मर कर धीरूंगा मुल्क की मिट्टी के साथ अच्छा बंदा बाबा सुनेंगे कि मैं तो मर कर भी रहूंगा मुल्क की मिट्टी के साथ कि मैं तो मर कर भी रहूंगा मुल्क की मिट्टी के साथ रहूंगा मुल्क की मिट्टी के साथ मैं तो मर कर भी रहूंगा मुल्क की मिट्टी के साथ मैं तो मर कर भी रहूंगा मुल्क की मिट्टी के साथ के मैं तो मर कर भी रहूंगा मुल्क की मिट्टी के साथ क्यों ताल्लुक जोड़ते हो मेरा सरहद पार से जनाबे मुजम्मिल है सर क्यों जोड़ते हो मेरा सरहद पार से क्या अच्छा बाबा अच्छा काफी नज़्मा भाई जान बहुत अच्छे से वाह शुक्रिया कि मैं तुम्हारे घर भी रहूंगा मुल्क की मिट्टी के साथ मैं तुम्हारे घर भी रहूंगा मुल्क की मिट्टी के साथ मैं तुम्हारे घर भी रहूंगा मुल्क की मिट्टी के साथ कि मैं तुम्हारे घर भी रहूंगा मुल्क की मिट्टी के साथ क्यों ताल्लुक क्यों